बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें आपने क्या करना है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आपने एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके अंदर आपने क्या कहा जी, इफ़ एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल के ये दो फैक्टर हैं आपके पास। ठीक है बेटा, इन दो फैक्टर की मदद से आपने एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है और सिंथेटिक डिवीजन आपने अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आप सिंथेटिक डिवीजन का जो हम स्केच बनाते हैं वो आप बनाएंगे, पहले x क्यूब से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, यहाँ पर 1 आएगा, x क्यूब के बाद x स्क्वायर की वैल्यू होती है तो वो आपके पास 4 आ जाएगी, x स्क्वायर के बाद आपके पास x वाली वैल्यूज राइट होती हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2l, x के बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3, 2, 1, 0, एक सीक्वेंस पूरा बना हुआ है इसलिए यहाँ पर 0 वाली टर्म कोई भी नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आपके पास बेटा क्या आएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास ऐसे नीचे आ जाएगी। ये आपको मैंने रूल बताया था सिंथेटिक डिवीजन का, 1 एज इट नीचे आ गया। आप इन दोनों को क्या करवाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 कितना होता है बेटा आपके पास, 1 को फिर आप माइनस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिखा जाएगा 2l माइनस 3। 2l माइनस 3 को आप माइनस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 6l, और 3 को जब आप माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 9। इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस 6l प्लस 9, ये आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इंस एज x प्लस 3 इज अ फैक्टर सो रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर आपके पास 0 होगा क्योंकि फैक्टर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो रिमाइंडर फिर आपके पास 0 आना चाहिए। यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे इसको हम इक्वल टू 0 पे कंसीडर कर लेंगे, तो रिमाइंडर आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, 0। तो रिमाइंडर आप यहाँ पे राइट करें, आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हम दूसरा फैक्टर सॉल्व करेंगे जो एक्स माइनस 2 के फॉर्म में दिया गया है। इसके लिए बेटा देखेंगे दोबारा यही स्केच बनेगा आपके पास, 1, 4l, 1, 4, 2l और m आ जाएगा। और यहां पर हम वैल्यूज क्या लिखेंगे, x माइनस 2 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे आप 2 राइट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहां से नीचे आ जाएगी, 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 2 का कितना होता है बेटा, 12 प्लस 2l हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप 12 प्लस 12 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस 4l। तो अब यहाँ पे देखें ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये l वाली वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, m है, ये सारी वैल्यू एज इट राइट हो जाएंगी क्योंकि ये सारी तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस 4l प्लस 24, ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर हम क्या करते होते हैं, बाय गिवन कंडीशन रिमाइंडर को हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि आपके पास क्या है, x माइनस 2 फिर फैक्टर आपके पास, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था कि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर आपके पास 0 होगा, इसलिए यहाँ पर भी 0 आ गया। तो m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपके पास एक सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगी। तो आप बेटा देखेंगे ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एल या एम की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि एम आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी देखें एम क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि एम की वैल्यू को आप आसानी से कैंसिल कर सकें। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24,
और फिर दूसरी क्वेश्चन को राइट करेंगे हम m माइनस सिक्स एल इज इक्वल टू माइनस नाइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन आपके पास बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये देखिए कैंसिल हो रहा है, अब ये प्लस का साइन है और ये भी प्लस का, सिक्स और फोर आपके पास कितना हो जाएगा टेन एल इज इक्वल टू प्लस क्या है और ये आपके पास बेटा कितना है माइनस का 24 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे 15, ठीक है जी 15 आ जाएगा और बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 10 एल, एल की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या निकलेगी एल इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 10, 10 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, देखें ये मजीद डिवाइड हो रहे हैं 5 के टेबल पर, 5 3 द 15 और 5 2 द 10, ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई। अब आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, तो आप किसी भी एक अंदर पुट कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे कुछ वैल्यूज ऑफ एल इन 1 के अंदर क्या है हम क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं, तो एम माइनस सिक्स एल, एम माइनस सिक्स एल की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 9, यहां से बेटा सॉल्व करें आप माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे देखें 2 3 का 6 होता है तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 9, तो m इज इक्वल टू माइनस 9 और फिर ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस 18। ये देखिए बेटा एल और एम की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए, तो ये इसका प्रोसीजर है एम और एल की वैल्यूज फाइंड करने का। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व करने लगे हैं, तो उसमें देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन की मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व किए थे जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सॉल्व किए थे, तो जो सिंथेटिक डिवीजन होती है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब बड़ी आपके पास डिग्रीज आ जाती हैं जिस तरह क्यूबिक पॉलीनोमियल इक्वेशन आ जाती है, फोर्थ डिग्री वाली फिफ्थ डिग्री वाली आपके पास इक्वेशन आ जाती हैं, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी पावर जो है वो आपके पास 4 है, तो इसके टोटल जो आंसर है आपके पास जो इसके रूट्स हैं वो 4 होने चाहिए, उन्होंने हमें 2 रूट्स दिए हुए और 2 हम खुद फाइंड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, तो देखते हैं उसके रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो वो आप स्केच बनाएंगे जो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम अप्लाई करते होते हैं हमेशा, तो इस क्वेश्चन के लिए कोफिशिएंट लिखेंगे एक्स की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, क्यूब के 4 के बाद क्यूब आएगा वो नहीं है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर के बाद वैल्यू कौन सी होगी बेटा आपके पास एक्स वाली होगी जो कि नहीं है तो फिर हम 0 लिखेंगे, 0 के बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट जो रूट दिया गया उसको लिख लें या आप सेकंड वाला रूट लिख लें जो आपका दिल करता है, पहले आप राइट कर सकते हैं तो हम 1 लिख लेते हैं। इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन को आप अप्लाई करें, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने का रूल आपको पहले कई दफ़ा सिखा दिया गया कि फर्स्ट वैल्यू एज इट नीचे आ जाएगी, इस वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा 1, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, तो 1 को आप फिर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब 1 में से जब आप माइनस 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 9, बड़ी टर्म के साथ जो साइन होगा हमेशा वही आएगा। अब माइनस 9 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 9, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास दोबारा माइनस 9 आ रहा है। अब माइनस 9 को आप जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 9, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखेंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो मेरे पास ये क्यूबिक पॉलीनोमियल बन रही है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके पास एक्स वाली को, ये एक्स स्क्वायर को और ये एक्स क्यूब को। हमने क्या करना है, हमारे पास जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड अवेलेबल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के लिए मेथड अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या करना है इसको सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जब हमने एक रूट सप्लाई किया फोर्थ डिग्री से क्यूबिक में कन्वर्ट होगी, जब एक रूट और अप्लाई करेंगे तो ये सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे इसके ऊपर दोबारा रूट सेकंड रूट जो है वो अप्लाई करेंगे जो कि आपके पास कितना है 3,
तो थ्री अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रूट आपके पास एज इट नीचे आ जाएगी वैल्यू, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया फोर, फोर को जब आप थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ट्वेल्व। अब ट्वेल्व को आप जब नाइन में से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा थ्री, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा प्लस का साइन लगाएंगे। तो फिर थ्री को आप थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा नाइन, तो आपके पास आंसर कितना आ गया जीरो। रिमाइंडर आपके पास जीरो आना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है आपके पास क्वेश्चन के, अगर यहाँ पर रिमाइंडर को या आपका जीरो के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास जीरो आना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में राइट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये एक्स वाली है और ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने तीन मेथड जो है वो 1.1 के अंदर सीखे थे, जो कि आपके पास फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आप इसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मुझे फैक्टराइजेशन इस टाइम ईजी लग रहा है तो मैं फैक्टराइजेशन अप्लाई करूंगा, आप लोगों को जो भी मेथड ईजी लगता हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा, फैक्टर क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने का रूल ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आना चाहिए और इन दोनों पेयर को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 4x आना चाहिए। तो x आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x प्लस थ्री, और प्लस इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री जो है वो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस थ्री जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बच्चा देखेंगे x प्लस थ्री और x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको अलग अलग करके जीरो के लिखेंगे, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ से हम जब राइट करेंगे तो आपके पास माइनस थ्री आ जाएगी और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया बेटा। अब इस क्वेश्चन के टोटल चार आंसर आने चाहिए थे, दो उन्होंने पहले से दिए हुए थे हमें और दो हमने ये फाइंड कर लिया है, तो इसका सोल्यूशन सेट लाजमी हम राइट करेंगे। तो सोल्यूशन सेट के अंदर आपने क्या करना बेटा, सिर्फ ये दो आंसर नहीं लिखने लेकिन ये भी लिखने हैं, ठीक है, आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा वन थ्री माइनस थ्री और माइनस वन, ये सोल्यूशन सेट बनेगा इस इक्वेशन का, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह।